हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बहुत ही नरम और मुलायम मुंह में घुल जाने वाले बेसन के गट्टे की सब्जी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। जब आप और आपके फैमिली मेंबर्स हरी मौसमी सब्जियाँ खाते खाते बोर हो जाएं, तब आप बेसन के गट्टे की इस बहुत ही टेस्टी सब्जी को बनाएं। इसे बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। जितनी देर हमें सब्जी को छीलने और काटने में लगती है, उतनी ही देर में गट्टे बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार गट्टे बन गए, इसके बाद बहुत ही सरलता से ग्रेवी बनाकर आप गट्टे की सब्जी बना लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन को लिया है। इतने बेसन में 4-5 लोगों के खाने लायक गट्टे की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। यदि आपको कुछ कम या ज़्यादा लोगों के लिए सब्जी को बनाना है, तो आप बेसन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बेसन में 1/4 टीस्पून साबुत सौंफ, 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। ये तीनों मसाले बहुत ही ज़्यादा हाजमे वाले होते हैं। इन्हें गट्टे में डालने से गट्टे का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, ये सुपाच्य भी हो जाते हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। हमारे घर में बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी गट्टे की सब्जी को बहुत मन से खाते हैं, इसलिए हम मिर्च की क्वांटिटी को कम रख रहे हैं। यदि आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो आप मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून लेवल से नमक डाल देंगे। इस गट्टे को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए ना तो हम बेकिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे, ना ही इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। हम इसे शुद्ध सात्विक तरीके से बनाएंगे और इसे सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें देसी घी और कुकिंग ऑयल का मोइन लगाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। इसमें कुकिंग ऑयल और देसी घी डालकर हम इसे बहुत अच्छे से चलाकर मिला देंगे, ताकि पूरे मटेरियल में मोइन बहुत अच्छे से लग जाए। कुछ लोग गट्टे प्योर देसी घी से बनाते हैं, उसमें कुकिंग ऑयल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसमें कुकिंग ऑयल और देसी घी बराबर क्वांटिटी में डालकर इसे बना रहे हैं। इसे चलाने मिलाने के बाद हम मुट्ठी बांध कर देख रहे हैं। देखिए, मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मोइन परफेक्ट लग चुका है। अब हम इस मटेरियल को मठा या छाछ से मलेंगे। हम थोड़ी थोड़ी छाछ इसमें डालते जाएंगे और इसे हम मल लेंगे। इस मटेरियल को मलने में हमने कुल मिलाकर 3 टेबल स्पून छाछ का प्रयोग किया है। हमें इस मटेरियल को ना तो बहुत टाइट मारना है, ना ही बिल्कुल सॉफ्ट मारना है। हमने इसे सेमी सॉफ्ट मार लिया है। हमारा डो अब तैयार हो गया है। अब हम इसे चॉपर पर निकाल कर इसकी मलाई करेंगे। इस तरह से जब हम इस डो को मलेंगे, तो इससे बनने वाले गट्टे मुँह में घुलने वाले बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मलते मलते डो सॉफ्ट हो गया है और इसमें बाइंडिंग आ गई है। अब हम इस डो को इकट्ठा करके इससे पतले पतले रोल बना लेंगे। देखिए, हमने पहले इस डो से 2 रोल तैयार कर लिए हैं। अब इन दोनों रोल को बीच से काट कर हम इससे 4 रोल तैयार कर लेंगे। हमने पहले ही 1 पैन में 3 कप पानी उबलने के लिए ढककर रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है। अब हम 4 रोल उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इस दौरान पानी को लगातार उबलते रहना चाहिए। यदि पानी लगातार नहीं उबल रहा है, तो गट्टे के ये रोल पैन के तल्ले में लग सकते हैं, ये टूट भी सकते हैं, इसके अलावा ये टाइट भी हो सकते हैं। हमने सभी रोल उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक ढककर पका लेंगे। इस दौरान एक बार बीच में हम पैन का ढक्कन हटाकर इन सभी रोल्स को अलट पलट देंगे। देखिए, हमने सभी रोल्स को पलट दिया है। अब हम इस पर फिर से ढक्कन लगा देंगे। जब तक हमारे रोल्स पक रहे हैं, तब तक हम ग्रेवी के लिए सब्जी देख लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने मीडियम साइज़ के 2 प्याज, 4 छोटे टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 कली लहसुन की और 1 हरी मिर्च को लिया है। यदि आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप इसे स्किप कर दें। इसके अलावा यदि आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो मिर्च की क्वांटिटी को आप कुछ बढ़ा दें। हमारे गट्टे अब पककर तैयार हो चुके हैं। इसकी पहचान ये है कि ये पकने के बाद तैरकर पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं और गट्टे की स्किन में बबल्स पड़ जाते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सभी गट्टे के रोल्स हम निकाल कर चॉपर पर रख लेंगे। हमें पैन में बचे हुए पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी पानी से हम गट्टे की सब्जी की करी बनाएंगे। गट्टे के सभी रोल्स चॉपर पर रखने के बाद अब हम दिखाए गए तरीके से रोल्स को काट लेंगे। हम गट्टे के इन रोल्स को बहुत ही आसानी से काट रहे हैं। ये गट्टे बहुत सॉफ्ट बने हैं और बहुत आसानी से कट रहे हैं। दबाने पर ये स्पंज की तरह दब रहे हैं। एक गट्टे को हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। देखिए, ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और ये बिल्कुल स्पंज की तरह दब भी रहा है। अब गट्टे की सब्जी बनाने का एक तरीका ये है कि आप पहले इसकी करी बनाएं और उबाल कर काटे हुए गट्टे इसमें डालकर गट्टे की सब्जी बना लें।
लेकिन हम यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत टेस्टी गट्टे की सब्जी बना रहे हैं, इसलिए सब्जी को हम गट्टे तलकर बनाएंगे। इसके लिए हमने पहले ही कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इस गर्म कुकिंग ऑयल में हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गट्टों को डालकर तल लेंगे और तल कर इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। हमें इन्हें तल कर बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हम गट्टे गोल्डन ब्राउन होते ही इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हमारे फर्स्ट बैच के गट्टे तल कर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने काटे हुए सभी गट्टे बहुत ही फटाफट सरलता से तल लेंगे। अब हम करी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने दो प्याज काट कर चॉपर में डाल दिए हैं। अब हम चॉपर से इस प्याज को चॉप कर लेंगे। देखिए हमारा प्याज बहुत ही बारीक चॉप हो चुका है। इसके बाद हम टमाटर, अदरक और मिर्च को काट कर मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। देखिए हमारी ये तीनों चीज़ें पीस कर तैयार हो चुकी हैं। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पर रखकर इसमें एक बड़ी कलछी कुकिंग ऑयल को इसमें डाल दिया है। तेल के कुछ गर्म होते ही हम इसमें 5 कली लहसुन काट कर डाल देंगे। लहसुन की कली के थोड़ा सा भुनते ही हम इसमें चॉप प्याज डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक डालकर इस मटेरियल को हम भुनने देंगे। नमक डालने से प्याज बहुत जल्द भुन जाता है। जब तक ये प्याज भुन रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बोल में हमने 3 बड़े चम्मच दही लिया है। इस दही में हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून तीखा लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। दही में सभी चीज़ें डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही सॉफ्ट हो जाए। इधर हमारा प्याज भी भुन गया है। हमें प्याज को डार्क ब्राउन ही भुनना है, इससे सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सब्जी का कलर भी अच्छा लगता है। अब हम इसमें टमाटर का प्यूरे डाल देंगे। पैन में टमाटर प्यूरे डालने के बाद अब हम इसे पकने देंगे। इस दौरान इसे लगातार चलाना जरूरी नहीं है, हम इसे बीच बीच में चला देंगे। जब ये मटेरियल थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसमें मसाले वाला दही डाल देंगे। इसमें मसाले वाला दही डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो ये दही फट जाएगा। अब हम इस मटेरियल को ऑयल छोड़ने तक पकाएंगे। देखिए पैन के मटेरियल ने अब ऑयल रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें वो पानी डाल देंगे जिसमें हमने अपने गट्टे पकाए थे। गट्टे से निकला हुआ ये पानी सब्जी बनाने के लिए सफिशेंट है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। पैन के इस मटेरियल में अब उबाल आ गया है। अब हम इसमें सभी गट्टे डाल देंगे। हमने तैयार ग्रेवी में सभी गट्टे डाल दिए हैं। अब हम इस सब्जी को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे ताकि सब्जी में अच्छी रंगत आ जाए और हमारे गट्टे भी सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट बाद हम पैन के ढक्कन को हटा देंगे और हम इस पर ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद हम इस पर ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। सब्जी में हरा धनिया और गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छे से चला मिला देंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारी गट्टे की बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और सब्जी में पड़े हुए ये गट्टे इतने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं कि ये मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। अब हम आपको एक गट्टे को काट कर दिखा रहे हैं। देखिए स्पून से काटने पर यह गट्टा कितनी आसानी से कट रहा है और स्पून से प्रेस करने पर यह चूर चूर भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज ही आप इस गट्टे की बहुत ही टेस्टी सब्जी को बनाएं और इसके अमेजिंग स्वाद का आनंद लें। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे गट्टे की सब्जी बनाने की रेसिपी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज के वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़ा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।